सो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आज का व्लॉग शुरू होता है एक बहुत ही अच्छे व्यू से। एंड कल हम लोग इधर रुक गए थे होटल पार्वती इन में। ये लकली हम लोग को यहाँ पे मिल गया रास्ते में, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी एंड वी डिड नॉट वांट टू ड्राइव रात में बिकॉज रोड्स की कंडीशन इस समय अच्छी नहीं है यहाँ पर। कई जगह पे रिपेयर वर्क चालू है और कई जगह पे रोड्स बहुत ज़्यादा गीली है एंड मोस्टली दिस प्रॉब्लम्स आर एट हेयरपिन बेंड्स, तो दिखता भी नहीं है कि किधर प्रॉब्लम होगी। सो वी स्टेड हेयर, इस समय टाइम हो रहा होगा सुबह के 8 एंड वी विल लीव टुडे फॉर चोपता। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। लगेज माउंट हो गया है बाइक्स पे एंड अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। माइनर एक्सीडेंट, क्या गया? उधर स्टैंड पे लगाइए पहले, तो बगल में रिपेयर की दुकान है, कोई बात नहीं। स्टैंड पे लगाइए, स्टैंड लगा हुआ है। ये बगल में मिल जाएगा होपफुली। बाइक वाला तो एक ऊपर है। कौन सी बाइक का है अभी नहीं पता, कौन सी बाइक वाला बाइक है इनको बुलाइए। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसको यहाँ लगा देंगे, इधर करते हैं। रुकिए, इनको बुलाते हैं। आगे करना है हमें, इसके बारे में नहीं पता ना। फोर व्हीलर का कोई से भी काम करा दो। अच्छा, फोर व्हीलर वाले का तो साला स्टैंड से उतारा। इधर उधर उधर भाग गई। अरे बहुत रुका, रुके ही नहीं। तो एक ऑटो रिपेयर शॉप थी लकली, बट अनलकली ये सिर्फ फोर व्हीलर देखते हैं। सो ही हैज़ नो आइडिया हाउ टू फिक्स दिस फुटरेस्ट। आगे बता रहे एक बाइक का शोरूम है, सो लेट्स सी वहाँ से क्या हेल्प मिल पाती है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे करंट प्रयाग के लिए एंड रास्ते में आर टॉप प्रायोरिटी इज़ फुटरेस्ट को रिपेयर करना, बिकॉज उसके बिना चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली आगे रास्ता भी और ख़राब ही होगा। सो इसको सही कराना हमारी टॉप प्रायोरिटी है अभी के लिए। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लिया था व्यू को एंजॉय करने के लिए एंड लकली वी स्टॉप्ड एट अ पॉइंट जहाँ से नीचे हमें वाटरफॉल दिख रहा है। वाटरफॉल तो नहीं कह सकते बट यार हम लोगों ने कुछ ब्रेक लिया था टू सी दिस रिवर। वहाँ पे आई थिंक कुछ फ्रेश लैंड स्लाइड हुई है, तो मेरा जूता फट गया। कैक्टस ही लगा हुआ था एंड इफ यू एवर वंडर कि ये जो ब्रिज पे इस तरह के जॉइंट्स होते हैं इसके बीच में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो सर हम लोग करण प्रयाग से करीब 6 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ पे हम लोग को फाइनली एक बाइक रिपेयर शॉप मिली जो ये फुटरेस्ट सही कर देंगे एंड इसी के पीछे रिवर भी है। ये जो बिल्डिंग्स है मेरे पीछे, इसी के जस्ट पीछे रिवर भी है। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर व्यू ऑफ द रिवर। बाकी जगह थोड़ा थोड़ा ही देखने को मिला था लाइक दूर से, बट इसके जस्ट पीछे है। अगर आगे कहीं होगी तो मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे गोप्रो नहीं ऑन था। एंड ये अपने राइट हैंड साइड में है पिंडार रिवर। अब पूरे रास्ते करण प्रयाग तक ऐसे राइट में रिवर रहेगी एंड लेफ्ट में माउंटेन, ऑल द वे टिल करण प्रयाग। हम लोग थोड़ा क्लाइंब कर गए हैं माउंटेन, अब पिंडार रिवर फिर से वापस नीचे हो गई है। 7 मिनट्स अवे फ्रॉम करण प्रयाग। करण प्रयाग पे वील टेक अ लुक अराउंड द मार्केट, संगम देखेंगे एंड वील हैव अ ब्रेकफास्ट एंड टी देयर। सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं हुई है। So we'll try to get a better view, most probably वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। सो दिस इज़ द संगम पॉइंट ऑफ पिंडार एंड अलकनंदा रिवर। सो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं हॉलीडे होम्स में। यहाँ का व्यू इज़ ऑल्सो अमेजिंग जो मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज़ अलकनंदा और वो पिंडार है और आगे वहाँ पर उनका संगम होगा। So whichever is the bigger river gets to keep the name.
सो अलकनंदा इज़ द बिगर रिवर हेयर, सो आगे जाके अलकनंदा रिवर में ही रहते हैं। सो यहाँ पे आलू का पराठा है सर्व विद दिस आलू और चने की सब्जी, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में। खा के भी देखते हैं कैसा व्यू के साथ, ऐसे व्यू के साथ ब्रेकफास्ट परफेक्ट। सो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, सो वी आर राइट नाउ इन करण प्रयाग। अब यहाँ से हम लोग गोपेश्वर की तरफ जाएंगे एंड गोपेश्वर से इफ़ यू कैन सी जोशी मठ और वहाँ पेन से ड्रॉन है ओली। सो आर नेक्स्ट स्टॉप शुड बी ओली, मतलब आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फिर ओली से वापस आएंगे गोपेश्वर से, फिर गोपेश्वर से आगे जाके वील गो टू चोपता, देन चोपता से आर प्लान इज टू गो टू उक्ति मठ से नीचे तेहरी डैम की तरफ। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टॉप डैट हॉलीडे होम होटल एंड रेस्टोरेंट, एंड इफ़ यू आर ऑन रूट फ्रॉम करण प्रयाग टू बद्रीनाथ देन गिव दिस रेस्टोरेंट अ ट्राई, वेरी नाइस प्लेस। सो ब्रेकफास्ट करके वी हैव लेफ्ट द प्लेस फॉर ओली। ओली इट शोज इन द मैप इज 86 किलोमीटर्स अवे एंड आवर प्लान इज टू रोम अराउंड ओली अ बिट एंड देन ट्राई टू कम बैक टू चोपता, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग वी कैन लीव फ्रॉम चोपता, सो दैट विल सेव अस टाइम फॉर टुमारो। एंड ये भी आई थिंक फ्रेश लैंडस्लाइड साइट है, सो लैंडस्लाइड्स आर मच मोर फ्रीक्वेंट देन यू एक्सपेक्ट। इट इज़ जस्ट कि इन लोगों के लिए इतनी आम बात है यहाँ पर कि डज नॉट मेक एनी न्यूज़, बट लैंडस्लाइड्स आर मच मोर फ्रीक्वेंट सी यहाँ पर भी। एंड करण प्रयाग के बाद ऊपर जाते से टाइम रोड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नो लॉन्गर अ सिंगल लेन रोड, डबल लेन रोड है एंड कंडीशन भी रोड की लाइक द मटेरियल यूज्ड इज आल्सो मच बेटर एज कम्पेयर टू द वन दैट वाज यूज्ड पहले। सो 2 hours 40 minutes राइड, वी विल ट्राई टू डू इट नॉन स्टॉप। सो आई जस्ट स्पॉटेड अ बिग होल इन द माउंटेन, ये रहा फिर से मिस कर गया मैं। सो इट्स लाइक अ बिग केव, नॉट श्योर वॉट इज इन साइड दिस, इट्स अ ह्यूज माउंटेन, इसके बीच में से होल है। इट्स ऑब्वियसली मैन मेड बट आई कॉन्ट गो इन साइड, एनी वेज कैरी ऑन। ये हमें फर्स्ट वाटरफॉल दिखा है, बहुत छोटा सा है बट स्टिल फर्स्ट वन, अनदर ब्रेथ टेकिंग व्यू। एंड यहाँ पे क्या हुआ है आई डोंट नो, ये आई थिंक बाप रे इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई होगी। सो दे आर स्टिल रिपेयरिंग इट, these mountains look so amazing. लोग अभी ओली जा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ से ऊपर गए, चोपता के लिए हमें यहाँ से नीचे जाना होता है। ओह दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ अ लैंडस्लाइड, ये पेड़ पूरा पूरा उखड़ा हुआ है, ये पूरा ऐसे शिफ्ट होके नीचे आ गया होगा। ओह
भाई साहब ये पूरी लैंडस्लाइड हुई होगी। सो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज अ लैंडस्लाइड। ये दीज आर लाइक मैन मेड, उन्होंने रोड बनाने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ये काटा है माउंटेन, और ये नीचे इधर खाई है। एनीवे चलो आई विल गो ऑन। So I have stopped here to show you a landslide site, which is the scariest one I have seen till now. I will show you. So I don't know what happened here. Upar se kuch nahi aaya. This area I guess landslided and just collapsed. सो ये रोड थी, ये रोड थी एंड इट जस्ट कोलैप्स्ड। दिस पार्ट इज स्टिल हैंगिंग। उधर घर है ऊपर एंड दे आर सो बिल्डिंग अ रिटेनिंग वॉल वहां पर ताकि फर्दर लैंडस्लाइड ना हो। सो दिस इज अनदर लैंडस्लाइड साइट। ये नीचे रोड थी एंड इट जस्ट कोलैप्स्ड। So first close look at a snow-capped mountain right there. Hello, kidhar se aap log? Hum dono to alag alag hai. Acha, Banaras se? Oh nice. Hum log Lucknow se. Right. Seven kilometers away from Oli, and we found our first snow-capped mountains right here. And we also met two people. One is from Banaras and one is from Guwahati. They rented a bike. Bike ke shaukeen. They came here public transport se, rented a bike, and now they are also off to Oli. So they are not friends. They just met on the road and decided to do rest of the trip together. एंड पीछे की सीनरी तो आप देख ही रहे हैं, इट्स अमेजिंग। एंड दैट इज द स्नो कैप माउंटेन।
Can you see that landslide over there? I think that is where we are headed for right now. Right there. रोड तो दिख नहीं रही है। फॉल्स न्यूट्रल। This is another example of the road just railing reh gayi bas. Oh bhai saab, ye pura upar se niche gir gaya hoga. So many landslides. This is another one. Road gone. Oh, fish. See, yahan se road just broke off. Oh, tunnel. Every turn gives you a different view, and each and every view is breathtaking. Oh, landslide. Oh, tunnel tha jisse hum log aaye, and usme wahan bhi landslide ho rakhi hai. It is at the edge of the mountain. So a quick ride update with a beautiful view. Time ho gaya hai 2:57 PM and we are 32 minutes and 13 kilometers away from Oli. तो हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ से return कर लें, but we will keep in mind that we do not want to drive at night. तो अगर हमें दिखता है कि हम यहाँ पे late हो जाएगा हमें, तो हम यहीं पे स्टे करेंगे आज, एंड देन टुमारो अर्ली मॉर्निंग वील ट्राई टू लीव. यहाँ काम चल रहा है तो उसमें बस फंसी है. दिस इज गोना टेक अ वाइल. तो जाने दे, भरोसा नहीं कब रिवर्स आ जाए.
वी आर इन जोशी मठ राइट नाउ एंड प्लान था ओली जाने का, बट 1 किलोमीटर दूरी था जोशी मठ जहाँ से रोड डाइवर्ट हो रही थी ओली के लिए और जोशी मठ के लिए. सो वी थॉट क्यों ना जोशी मठ भी एक बार पहले देख लें. They are the same people that we met उधर. The two people that we met while we saw the first snow cap, वो हम लोग को इधर जोशीमठ में भी मिल गए and they planned to camp in Oli. तो हम लोग भी उन्हीं के साथ अब कैंपिंग करने जा रहे हैं ऊपर and view is spectacular यहाँ से. Snow cap mountains भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं. सो वो नीचे रहा जोशीमठ एंड वहाँ से हम लोग यहाँ ऊपर ओली के लिए आए हैं एंड व्यूज जस्ट कीप गेटिंग बेटर. सो अब रोड पे ब्लैक आइस भी हमें दिखने लग गई है जैसे ये नीचे. ऑल दीज शाइनी थिंग्स दैट वी सी ऑन द रोड इज ब्लैक आइस. वो सडनली द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, एकदम से पैरों में फील हुआ. सो जो हमें अब दूर से स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे वी आर अ पार्ट ऑफ इट नाउ. प्राइम एग्जांपल ऑफ ब्लैक आइस. ओ मेरा पीछे वाला पहिया बहुत बुरी तरह से भी स्लिप हुआ. सो हम लोग इस टाइम पे नंदा व्यू रिजॉर्ट पे हैं. ये एक काइंड ऑफ एक टेंटिंग होटल है. इधर कपड़े वाले टेंट है फैब्रिक वाले और उधर प्रॉपर वुडन वाले. सो वी हैव बुक टू ऑफ दोज. आई विल ट्राई टू शूट अ नाइट साइड फोटो ऑफ द स्काई. आई वांट टू सी कितने स्टार्स कैच होते हैं उसमें. अभी यहाँ पे बॉनफायर का सीन है. सो बॉनफायर के बाद वी विल जस्ट गो टू स्लीप. रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी तक बॉनफायर ही चल रही है. हम लोग भी बाहर ही बैठे हैं. टेम्परेचर इस समय है -1. अब डिनर लगा है. नाउ वी आर गोइंग टू ईट एंड देन फाइनली स्लीप. सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.